तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गर्ल स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलती है और आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप हमें FB और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी गई है, वहाँ से आप जा करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बात करें तो आपको PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए जस्ट आपको चैनल खोलनी है और चैनल पर सर्च करनी है जॉब गाइड स्टडी, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको PDF मिल जाएगी और इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप को आप जैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एनिमल्स बियर नो टीथ, यानी कि कौन से दिए गए यहाँ पे फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिनमें किसी प्रकार की हमें टीथ देखने को नहीं मिलती, यानी कि नो टीथ। तो जो इसकी सही आंसर हो जाएगी दोस्तों, वो आपकी होगी पीकॉक, ऑस्ट्रिच और टॉर्टोइस, ठीक है। यानी कि ऑप्शन है आपकी करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि पीकॉक, ऑस्ट्रिच, टॉर्टोइस में टीथ क्यों नहीं होती। तो दोस्तों देखिए, अब बात आती है यहाँ पे कि जो एनिमल होते हैं इसमें टीथ नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये फाइलम जो होती है ये एव से बिलोंग करते हैं। यानी कि पीकॉक जो हो गई आपकी और ऑस्ट्रिच हो गई, ठीक है, ये आपके एव से बिलोंग करती है, और टॉर्टोइस जो हो गई दोस्तों ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपकी बिलोंग करती है रेप्टेलिया से, ठीक है। तो एव्स हमने लिख ली और यहाँ पे रेप्टाइल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल, ठीक है, तो रेप्टाइल हमने लिख लिया यहाँ पे। तो पीकॉक और ऑस्ट्रिच जो हो गई ये आपके एव से बिलोंग करेंगे, और टॉर्टोइस जो रहेगी दोस्तों वो आपकी रेप्टाइल से बिलोंग करेगी, ठीक है, क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया पीकॉक, ठीक है, पीकॉक और ऑस्ट्रिच हमने आपको बताया कि एप से बिलोंग करेंगे, और टॉर्टोइज आपकी रेप्टाइल से बिलोंग करेगी, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो ये सारे फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आपको फाइलम भी याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो फाइलम भी आप याद करते हुए आगे बढ़िए। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, साइरेनिक्स इज़ द वॉइस बॉक्स इन, ठीक है। तो ये जो साइरिंग्स जो वॉइस होती है, वॉइस बॉक्स होती है, ये कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यहाँ पे बिलोंग करती है, ठीक है, ये आपको इस सवाल पे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके बर्ड से बिलोंग, तो ये आपके बर्ड से बिलोंग कर जाती है साइरिंग्स, ठीक है। तो साइरिंग्स जो है ये आपकी वॉइस बॉक्स होती है, जैसे ह्यूमन में भी एपिग्लोटिस होता है, उसी प्रकार से बर्ड में ये जो साइरिंग्स होती है ये बर्ड पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके वोकल ऑर्गन होते हैं बर्ड के, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो साइरिंग्स जो होती है ये आपकी बर्ड की वोकल ऑर्गन कहलाती है, ठीक है, जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड आपको पता है कब प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट लेग एक्सोस्केलेटन, यानी कि कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऐसे वर्टिब्रेट है जिसमें एक्सोस्केलेटन नहीं हमें देखने को मिलती है, ठीक है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। दोस्तों जो कॉन्ड्रिकाइटिस होती है ये आपकी एक्सोस्केलेटन इसमें आपको देखने को नहीं मिलती किसी प्रकार की, तो आपकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी वो आपकी ऑप्शन डी हो जाएगी, ठीक है। अब आइए कुछ और जान लेते हैं, कॉन्ड्रिकाइटिस आखिर किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, कार्टिलेजिनियस जो होती है दोस्तों, ठीक है, कार्टिलेजिनियस फिशेस जो होते हैं, ठीक है, तो कार्टिलेजिनियस फिशेस होते हैं, इसे ही आप कॉन्ड्रिकाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं अर्थ में दोस्तों, हम जब बात करते हैं तो ये अप्रोक्स 450 मिलियन ईयर पहले से हमें देखने को मिलती है, ठीक है, कितनी 450 मिलियन ईयर, ओके, तो 450 ईयर मिलियन यानी कि ईयर एगो ये आपके अर्थ में देखने को मिल गई थी। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि इनमें कैसी कैसी खासियत हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, इसमें जो होती है ट्रू स्केलेटन सिस्टम जो होती है, ठीक है, यानी कि ट्रू बोन की अगर जो बात करते हैं तो इसमें आपको ट्रू बोन देखने को नहीं मिलते किसी प्रकार के, ठीक है, यानी कि इसमें फॉल्स बोन होती है, यानी कि ट्रू बोन इसमें हमें देखने को मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे एक्सोस्केलेटन की, यानी कि इसमें लैक एक्सोस्केलेटन कॉन्ड्रोकाइटिस यानी कि कार्टिलेजिनियस फिशेस, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। अब देखिए, एंडोस्केलेटन की बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है, ये एंडोस्केलेटन कहलाते हैं, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन का मतलब हो जाता है जिसमें कार्टिलेजिनियस होता है, यानी कि कार्टिलेज का जो बना हुआ रहता है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एंडोस्केलेटन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू हमने बताया कि इसमें ट्रू बोन नहीं होते हैं और इसमें एंडोस्केलेटन देखने को मिलते हैं जो कि कार्टिलेजेस के बने हुए होते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्केलेटन एट ऑल, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें किसी प्रकार की हमें स्केलेटन देखने को नहीं मिलती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों जो सिल्वर फिश जो होती है ये आपकी
किसी प्रकार की आपको इसमें स्केलेटन सिस्टम देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो सिल्वर फिश जो होते हैं दोस्तों, इसे नॉकटर्नल भी कहते हैं, ठीक है। तो NOCTURNAL, TURNAL, ठीक है। तो इसको नॉकटर्नल भी कहते हैं सिल्वर फिश। ये सारे क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं और ये विंगलेस भी होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें किसी प्रकार की विंग नहीं होती है और ये इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो विंगलेस इंसेक्ट इसे हम कहेंगे, नॉकटर्नल कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको सिल्वर फिश में देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए इसमें जो होते हैं दोस्तों, किसी प्रकार के अपेंडिजेस भी नहीं देखने को मिलती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की एस्केलेटन सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों, यानी कि साइंटिफिक नेम सिल्वर फिश की, साइंटिफिक नेम आखिर क्या होती है, यानी कि साइंटिफिक नेम सिल्वर फिश की। वैसे तो आपको सारे की याद करनी है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए साइंटिफिक नेम में ये जो सिल्वर फिश की होती है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए LALE, ठीक है। यानी कि लेपिस्मा सेकेरिना, ठीक है, लेपिस्मा सेकेरिना इसे हम कहते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश की, ये सारी चीज़ की, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो सबकी बना के आपको बाद में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। बट अभी के लिए बस आप इतना जाइए जान जाइए कि ये जो सिल्वर फिश है इसकी साइंटिफिक नेम हो गई आपकी लेपिस्मा सेकेरिना, ठीक है। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, फ्लैट फुटेड कैमल कैन वॉक इजिली इन सैंडी डेजर्ट बिकॉज। तो ये जो कैमल जो होते हैं इसके फ्लैट फुट होते हैं, आप सबको पता है फ्लैट फुटेड जो रहते हैं ये इजिली सैंडी डेजर्ट एरिया में किस प्रकार से चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं, ये आपको सवाल में पूछा गया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो प्रेशर ऑन द सैंड इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सर्फेस इन कंटेक्ट, ये आपको सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आती है कि इसे समझेंगे हम किस प्रकार से, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, आप जान गए कि प्रेशर ऑन द सैंड इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। यानी कि कैमल की जो फुट होती है ना दोस्तों, उसकी क्या होती है, यहाँ पे जितने सारे सैंड के जो पार्टिकल रहते हैं, अगर जो फ्लैटेड यहाँ पे उसकी फुट फ्लैटेड रहेगी तो ये ज़्यादा सर्फेस एरिया को कवर कर पाएगी, और जितने ज़्यादा सर्फेस एरिया को ये अच्छे से कवर कर पाएगी उसमें जो प्रेशर होगी वो उतना ज़्यादा घटेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को ये कवर कर पा रही है, उससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि सरफेस एरिया इन कंटेक्ट बढ़ जाएगा, जिसके कारण प्रेशर जो रहेगी सेंट पे वो कम लगेगी, ठीक है। तो बस यही समझना है आपको इस सवाल में। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, टेनिया सोलियम यानी कि टेप वर्म, ठीक है। ये जो पैरासाइट की तरह रहती है, कौन से दिए गए ऑप्शन में, यहाँ पे जैसे कि पिग दी गई है, डोमेन ऑफ मैन, इंटेस्टाइन ऑफ मैन, लीवर ऑफ मैन, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको सवाल में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों टेनिया सोलियम, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपको देखने को मिलता है, ये आपको इंटेस्टाइन ऑफ मैन और वुमेन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो हो गई दोस्तों, आपकी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, यानी कि इंटेस्टाइन ऑफ मैन स्लैश वुमेन, ठीक है। तो ये जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ये एक तरह की एंडो पैरासाइटिक होती है, ठीक है। ये क्या होती है दोस्तों, एंटेनिया सोलियम जो होती है, यानी कि जो टेप वर्म है, ये एंडो पैरासाइटिक वर्म इसे हम कहते हैं, ठीक है। जो कि आपकी दोस्तों फाइलम को बिलोंग करती है। देखिए फाइलम भी याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है आपके लिए। तो इसकी जो फाइलम होती है दोस्तों, वो हो जाएगी आपकी प्लेथी हेलमेंथिस, ठीक है। तो PLA, प्लेथी हेलमेंथिस, ठीक है, क्लियर आप सभी को। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लेथी हेलमिन थिस, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी प्लेथी हेलमेंथिस फाइलम को बिलोंग करती है, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो टेनिया सोलियम जो होती है अपने लाइफ साइकिल दोस्तों दो होस्ट में ये कंप्लीट करती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे जाननी है कि दो होस्ट पे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे पिग पे जो देखने को मिलता है, पिग पे इसकी इंटरमीडिएट होस्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, पिग पे इसकी इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि जहाँ पे ये अपनी फायदे के लिए कुछ समय के लिए रहे, और जो इसकी सेकेंडरी यानी कि जो मेन इसकी हो गई, यानी कि डिफिनेट होस्ट के बारे में अगर जो हम बात करते हैं इसकी, तो वो दोस्तों आपकी ह्यूमन की इंटेस्टाइन यानी कि मैन वुमेन की इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, क्लियर आप सभी को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, डिफिनेट होस्ट हो गई इसकी, यानी कि डिफिनेटिव होस्ट हो गई, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, डेफिनेट होस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि अपनी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट करती है दो होस्ट में करती है, पहले ये करती है पिग पे जो इंटरमीडिएट रहती है इसकी होस्ट,
उसके बाद ह्यूमन पे जो कि इसकी डिफिनेट यानी कि डिफिनेटिव होस्ट रहती है टेनिया सोलियम की, जो कि टेफ वर्म है, जो कि एक एंडो पैरासिटिक वर्म है, फाइलम प्लेथीहेलमिंथिस को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन मेमेलियन स्किन डायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वॉर्म। ठीक है, तो ह्यूमन के बॉडी में यानी कि मेमेलियन में स्किन में ऐसे कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि आपके बॉडी को वार्म रखने में मदद करता है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि मेमेलियन में स्किन में प्रेजेंट रहता है जो कि बॉडी को वार्म करता है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपको जो करेक्ट आंसर चूज़ करनी है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यानी कि जिसमें से आपकी पसीना आती है, जिसमें से पानी आती है बाहर, उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जानते हैं स्वेट ग्लैंड आखिर होती क्या है। चलिए स्वेट स्वेट ग्लैंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वेट ग्लैंड जो होती है दोस्तों, ये आपके बॉडी जो होती है, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो स्वेट ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वेट ग्लैंड में आपने देखा कि बॉडी को टेम्परेचर की बॉडी की जो टेम्परेचर होती है उसको मेंटेन करती है, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो स्वेट ग्लैंड से पानी बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर आप सभी को, तो बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने में स्वेट ग्लैंड मदद करता है। दूसरा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, अब आइए समझते हैं थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है दोस्तों, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, यानी कि थर्म मतलब आपको पता है हीट, और रेगुलेशन मतलब कि किस तरह से रेगुलेट कर पाए। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन जो होती है दोस्तों स्वेट ग्लैंड में जो आपको देखने को मिलती है, ये आपको थर्मो रेगुलेशन ही होती है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को, तो थर्मो रेगुलेशन में हीट ट्रांसफर्ड होती है, क्लियर आप सभी को, हेल्प करती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो यानी कि मेंटेन करती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स जितने सारे आपके बॉडी में पाए जाते हैं उस सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को ये मदद करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी जैसे कि दोस्तों एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, तो ये सोडियम और क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है उसको मेंटेन कराता है। ठीक है, तो सोडियम और क्लोराइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि सॉल्ट जिससे बनती है, कॉमन सॉल्ट जिससे जो बनती है उसकी कंसेंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन से ये सब आपको देखने को मिलती है, ये सारे काम है स्वेट ग्लैंड की। तो स्वेट ग्लैंड जो होती है दोस्तों ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहलाती है। ठीक है, क्लियर आप सभी को, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहेंगे। हमने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों के बारे में पढ़ रखा है, एक्सोक्राइन मतलब जो किसी तरह का एंजाइम रिलीज करे उसको हम एक्सोक्राइन कहेंगे, एंडोक्राइन यानी कि जो हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे दोस्तों जो आपको स्वेट ग्लैंड के बारे में जाननी थी। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन कराता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वेट ग्लैंड में, थर्मो रेगुलेशन यानी कि पसीना निकलना बाहर। उसके बाद जब आपको ठंड लगे तो आपकी जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे थर्मो रेगुलेशन में हमने देखा, स्वेट ग्लैंड में देखा। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी फीट हैज़ ए क्रैब गॉट, यानी कि जो क्रैब जो होती है दोस्तों, किंग क्रैब जो होती है उसमें कितने सारे पैर हमें देखने को मिलती है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमें टोटल यहाँ पे 8 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अरे यहाँ पे ए बी डी लिखा गया, चलिए आप इसको जो भी मानिए, लेकिन 8 फीट इसमें हमें देखने को मिलती है क्रैब में। ठीक है, तो ये जो क्रैब जो होती है दोस्तों ये आपकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, क्रस्टेशियन से बिलोंग करती है। क्लियर आप सभी को, तो क्रैब जो होगी दोस्तों ये आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, क्रस्टेशियन, यानी कि फाइलम के बारे में अगर जब हम बात करें इसकी, तो इसकी फाइलम जो होती है दोस्तों आर्थ्रोपोडा होती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इसकी जो फाइलम होती है ये आर्थ्रोपोडा होती है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम से ये बिलोंग करती है। क्लियर आप सभी को, क्रैब जो होती है दोस्तों इसकी हैबिटेट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो ये हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में हम इसे देख पाते हैं, ओशंस में देख पाते हैं, लैंड में देख पाते हैं। ठीक है, तो यूएस ये सारी चीज़ें हैं जो हैबिटेट है। कभी कभी हैबिटेट के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्रैब आपको कहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टोटल इसमें हमने बात कर ली कि यहाँ पे 8 फीट होती है। ठीक है, तो यही आपको इस सवाल में पूछा गया था। अब देखिए इसकी जो 8 फीट जो होती है ना दोस्तों, ये दो पार्ट में बटी, सॉरी 4 पार्ट में बटी हुई रहती है, यानी कि 8 लेग जो होते हैं इसमें 4 पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके 8 लेग होते हैं इसमें क्या होते हैं दोस्तों, 4 पेयर होते हैं, यानी कि 4 जोड़े होते हैं जो मिला करके इसकी एग्जोस्केलेटन, यानी कि ये थिक एग्जोस्केलेटन से कवर रहता है। 8 लेग होते हैं लेकिन 4 पेयर में बटा होता है, यानी कि 4 के जोड़े में रहते हैं।
चलिए देखते दूसरा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, यानी कि जो बोन यानी कि जो हड्डियाँ फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं दोस्तों, उसको जोड़ने में कौन सी दिए गए यानी कि दिए गए यहाँ पे केमिकल्स हैं जिसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में वाइट सीमेंट, वाइट लेड, जिंक ऑक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस दी गई है, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगी हमारी वो होगी हमारी ऑप्शन डी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जो हड्डियाँ जब टूट जाती है तो उसकी रैपिंग में जो यूज़ आती है वो आपकी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होती है। ठीक है, तो ये आखिर क्यों होती है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है, बहुत हार्ड होती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये हार्ड वाइट सब्सटेंस होती है, ठीक है, जो कि वाटर के एडिशन के साथ बनती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर यानी कि पार्टली डिहाइड्रेटेड जिप्सम जो होती है उसमें वाटर को जब हम मिलाते हैं दोस्तों तो ये आपकी बहुत ही हार्ड सब्सटेंस बन जाती है वाइट तरह की, जो कि किसी भी बोन जो होगी उसको जोड़ने में मदद करता है, यानी कि जिप्सम प्लस वाटर। ठीक है, यानी कि ये जो जिप्सम जो रहेगी ये डिहाइड्रेटेड जिप्सम रहेगी। ठीक है, तो डिहाइड्रेटेड जिप्सम रहेगी और वाटर रहेगी, ये दोनों मिला करके वाइट पार्ट बना देगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगी। आपकी जब हड्डी टूट जाती है ना दोस्तों तो हड्डी को ये हार्ड होने के कारण ही ये होल्ड कर पाती है। ठीक है, तो जैसे कि बोन्स जो होते हैं वो जब बीच से फ्रैक्चर हो जाते हैं बोन्स, तो जिसकी ये बोन्स हो गए, ठीक है, तो सपोज कि इस प्रकार से फ्रैक्चर हो गए तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको चारों तरफ से होल्ड यानी कि जिस डायरेक्शन में जोड़ना है उसको जोड़ करके चारों तरफ से इसको रैप कर देते हैं, यानी कि पूरा पैक कर देते हैं। ठीक है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के सोल्यूशन के साथ, जिसमें क्या होता है हार्ड होने के कारण ये होल्ड कर पाता है बहुत समय तक, अच्छे से बोन को जिस पोजीशन में रखना है उस पोजीशन में होल्ड कर पाता है, जिसके कारण कुछ समय के बाद हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी दोस्तों जो आपको जाननी थी फ्रैक्चर्स बोन में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूजेज आती है। चले आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस इन मैन आर, तो देखिए मैन में जो टोटल नंबर ऑफ टीथ है जो रिप्लेस्ड हो जाती है दोस्तों आगे जा करके, जो कि आपकी टीथ की अटैचमेंट आपको पता है डिफ्यूडेंट होती है, ये टोटल 20 होते हैं नंबर में। ठीक है, तो ये टोटल 20 होते हैं नंबर में और इस टाइप के अटैचमेंट को डिफ्यूडोंट कहा जाता है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में और जो दो टाइप की टीथ आती है, ठीक है, यानी कि जो पहले जो आती है वो हट के जिसे मिल्क टीथ कहा जाता है दोस्तों, वो आगे जा करके जो चेंज हो जाती है तो इस टाइप ऑफ अटैचमेंट को आप क्या कहते हैं, डिफ्यूडोंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो तरह की दांत हमें देखने को मिलती है उसके पूरे एंटायर लाइफ में। ठीक है, यानी कि मिल्क टीथ हो जाती है जो कि टेम्पोररी टीथ कहती है, ये आगे जाकर सेट चेंज हो जाती है, उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाती है, यानी कि 20 बार इंसान के ह्यूमन बींग में क्या होते हैं दोस्तों, टीथ जो होते हैं 20 बार बदले जाते हैं, यानी कि 20 बार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या कहते हैं, इसको डिफ्यूडेंट कहते हैं, 20 बार रिप्लेस होती है ह्यूमन की टीथ। ठीक है, क्लियर आपको? चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज, देखिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमारे बॉडी में 206 होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी 300 से 350 तक की हड्डियाँ होती है। ठीक है, क्लियर आप सभी को? यानी कि हम बात कर रहे हैं 300 से 350 बोन्स आपके होते हैं कब दोस्तों, एट बर्थ, और यही आगे जाकर के फ्यूज होकर के 206 हड्डियाँ आपके बन जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि 300 से 350 बोन्स आपके एट बर्थ रहते हैं जो कि आगे जाकर के फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे कि नीचे हमने दिखा रखा है, इस तरह से फ्यूज़ होकर के 206 हड्डियाँ बना देती है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? तो ये सारे बोन्स क्या हो जाते हैं दोस्तों, फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे में और 300 से 350 लेकर के आगे जा करके फ्यूज़ होते होते 206 हड्डियाँ तक हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल आपका, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मिल्क टीथ इन ए चाइल्ड ऑफ 3 से 4 साल, तो 3 से 4 साल जब होते हैं किसी भी लोग की यानी कि जो बच्चे की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी टीथ है जो दोस्तों हमें नए देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपकी ऑप्शन है इंसिजर, मोलर, केनाइन और प्री मोलर। ठीक है, तो 3 से 4 साल की बेबी में सपोज यहाँ पे हमारे इंसिजर आ जाती है, फिर कुछ इस प्रकार से हमारी केनाइन टीथ होती है, और यहाँ पे आप मोलर देख पाते हैं, प्री मोलर देख पाते हैं और मोलर देख पाते हैं, तो ये सारे टीथ की अटैचमेंट है जो आपकी होती है। आप देखिए फिगर थोड़ी सी डरावनी बन गई है, बट आप डरिएगा मत। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की टीथ आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें जो बेबी में होती है दोस्तों इंसिजर तो होती है। ठीक है, तो यानी कि इंसिजर देख लिए, केनाइन देख लिए, प्री मोलर हो गई, मोलर हो गई। अब देखिए प्री मोलर का मतलब आप क्या समझते हैं, प्री मोलर यानी कि मोलर से पहले, यानी कि पहले कौन आया होगा, पहले प्री मोलर आया होगा, तो जो
सेट ऑफ टीथ जो बेबीज में नहीं होते दोस्तों, वो आपकी मोलर हो जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मोलर आपके बच्चे में नहीं होती है, बट जब आप ग्रो कर जाते हैं तब आप में मोलर्स आ जाते हैं, पहले बस प्री मोलर्स ही होते हैं बच्चों में। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डज इनमेल कवर्स, यानी कि एनामेल जो होती है दोस्तों, ये क्या चीज़ को कवर करती है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एनामेल जो होती है दोस्तों, ये हार्डेस्ट पार्ट होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी होने के कारण दोस्तों, ये क्या करती है, ये आपके टूथ की क्राउन को कवर करती है, ठीक है। क्राउन ऑफ द टूथ यानी कि टूथ की क्राउन को ये क्या करती है दोस्तों, कवर करती है। इसका ये फंक्शन है और ये हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी में, क्लियर है, ये इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए टीथ की जो दोस्तों, इसमें टिश्यूज़ जो हमें देखने को मिलते हैं, ये चार तरह के टिश्यूज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो पहला हो जाता है दोस्तों आपका डेंटिन, दूसरा हो जाएगा आपका कोमेंटम, तीसरा हो जाता है डेंटल, और चौथा होता है दोस्तों पल्प। पल्प मतलब आप समझ रहे हैं, और एनामेल आपकी टूथ आगे जा करके हो जाती है। तो ये चार प्रकार की टिश्यूज़ है जो हमें देखने को मिलते हैं टूथ में, ठीक है। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितने होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जो वीडियो हमने स्टार्टिंग में स्केलेटल सिस्टम के ऊपर बनाई थी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने पूरे अच्छे तरह से डिफ्रेंशिएट किया है कि किस तरह से कितने सारे बोन्स कौन कौन से पार्ट में होते हैं, एक्सियल पार्ट में क्या होते हैं और नॉन एक्सियल पार्ट में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रे जो होते हैं ह्यूमन बींग में टोटल 33 होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, जो कि एक्सियल, ठीक है, यानी कि एक्सियल स्केलेटन में आता है, टोटल 33 बोन्स होते हैं वर्टिब्रे में, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, स्केलेटल सिस्टम की ह्यूमन बॉडी के फिगर के साथ मैंने बताया है कि कौन सी बोन्स किस तरफ में आपको टोटल बोन्स देखने को मिलते हैं। तो अगला सवाल है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे, इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द, अब देखिए लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में क्या होती है आपको सवाल में पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपको थिक पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बट यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट बोन हो गई, ये आपकी कहाँ होती है, थिक पे होती है, जो सबसे लंबी बोन लगी रहती है दोस्तों। ये बोन जो होती है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी के सारे रीजन में, ठीक है। तो थिक में कौन सी बोन होती है दोस्तों, थिक में आपकी बोन होती है जिसका नाम होता है फ्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोन आपको देखने को मिलती है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो थिक रीजन में होती है फ्यूमर बोन जो होती है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी में, जो कि 1500 से लेकर के 2400 पाउंड तक की वजन को झेल सकती है, ठीक है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ दीज ज्वाइंट इज ए हिंग ज्वाइंट, अब देखिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसे आप हिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो देखिए ज्वाइंट आपकी जो होती है दोस्तों, हिंग ज्वाइंट होती है, इसे सिनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट कहा जाता है, ठीक है। तो साइनोवियल यानी कि SYNOVIAL साइनोवियल ज्वाइंट, इसके अंदर तीन तरह की चीज़ें आती है, यानी कि जो तीन तरह की ज्वाइंट सिस्टम होती है, जैसे कि आपकी एंकल वाली जो ज्वाइंट हो गई, एल्बो वाली हो गई, और नी पे जो आपकी ज्वाइंट होती है जिस तरह की, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सिनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, उसे हिंग ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आपकी हिप एल्बो शोल्डर रिस्ट दी गई है, तो एल्बो जब आप देखेंगे ये सिनोवियल ज्वाइंट है यानी कि हिंग ज्वाइंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ अटैचमेंट होती है आपके बोन से बोन, मसल से मसल, मसल से बोन, तो ये सारी चीज़ याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे अच्छे से। अगले सवाल आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये आपको सवाल पूछा गया है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सी होती है। तो अभी अभी हमने बात की दोस्तों एनामेल, तो एनामेल आपकी सबसे हार्डेस्ट होती है। तो सबसे हार्डेस्ट होने के साथ साथ दोस्तों इसकी फंक्शन जो होती है ये भी हम साथ साथ याद करते चलेंगे, जिसका नाम है कवर क्राउन ऑफ द टीथ, यानी कि आपकी टीथ की जो क्राउन होती है उसको क्या करती है, कवर करती है, ठीक है। तो देखिए एक और सवाल है दोस्तों, अभी अभी हमने इसके बारे में देखा था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो ये थिक रीजन में पाई जाती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जिसका नाम होता है फ्यूमर, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हो गई, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो मैंने अभी भी आपको दोस्तों बताया था कि इसकी जो क्षमता होती है 1500 से लेकर के 2400 पाउंड तक की प्रेशर को ये आसानी से झेल सकती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो आपकी ह्यूमन बॉडी में होती है, जो थिक रीजन में होती है, जिसको क्या कहते हैं, फ्यूमर कहते हैं। और ये जो होती है दोस्तों, ये प्रेशर जो होती है 1500 से 2400 पाउंड तक की प्रेशर को आसानी से झेल सकती है। दोस्तों अब मुझे आपसे एक बात कहनी थी दोस्तों, मुझे अभी याद आया तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को बता दूँ दोस्तों। तो देखिए कुछ स्टूडेंट है जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो है जो दोस्तों उसमें कुछ कमेंट कर रहे, लगातार मैं देख रहा हूँ 3-4 वीडियोस में कमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों आप जब भी थंबनेल देखते होंगे तो आपको थंबनेल में दिखाई देता होगा टॉप 50 एक्सपेक्टेड MCQ प्रीवियस, या फिर यानी कि एक्सपेक्टेड जो है आपकी प्रीवियस ईयर जितने सारे सवाल है वो पूछे गए हैं, वही सारे सवाल के बारे में बात किया है। तो देखिए हमें कुछ कमेंट आई है दोस्तों, हमें कुछ इस प्रकार की कमेंट आई है कि जो आपकी जो सवाल है ये एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कॉपी के बारे में बात किया जाता है कि वो मैम, वो मैडम, वो सर,
उससे आपने लाइन बाय लाइन कॉपी किए, इस प्रकार की कमेंट आई। अगर जो आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप हमारे केमिस्ट्री की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली टॉप 20 एमसीक्यू है उसमें आप जाकर के कमेंट देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ लड़कों ने कमेंट करके रखा है, ठीक है। तो देखिए हमारे थंबनेल पे भी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर के मतलब आप क्या समझते हैं दोस्तों? प्रीवियस ईयर का मतलब वो होता है जो कि आपके अभी तक सवाल आ चुके हैं। अब देखिए बेसिकली जितने सारे सवाल जो होते हैं दोस्तों, जिसके ये सवाल भी हो गया, ये आपके SSC MTS में 2002 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं दोस्तों, मैं जितने भी सवाल आप सभी को करा रहा हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की सवाल मैं भी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की सवाल आपके दूसरे टीचर भी करा सकते हैं जो कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब मैं उनसे देख करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे उतार रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन का ढंग भी बदल जाना चाहिए, वही भी सेम होना चाहिए दोस्तों। बस मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे सवाल है ये सारे प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर आपके जो टीचर आप जिससे पढ़ते हैं वो भी पढ़ा रहे, भले वो बताते होंगे कि वो उनका सेट ऑफ क्वेश्चन है, बट ये बिल्कुल गलत है। उनके सेट ऑफ क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, ये सारे प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं। जस्ट वही प्रीवियस ईयर के ही सवाल मैं आप सभी को प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि प्रीवियस ईयर के ही सवाल बार बार ये जो GS सेक्शन से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी क्वेश्चन ये कोई करंट अफेयर नहीं है कि डेली डेली नए आते गए और वही सारे क्वेश्चन आप पढ़ते गए। ये आपकी जनरल साइंस की ये कभी चेंज नहीं होती है, जो है उसी को पढ़ना है, उसी से आपके सवाल बार बार आती है। तो मैं आपको एक एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट इस तरह से कमेंट करते हैं वो करना आप अपना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे खुद को ही बेवकूफ़ साबित करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का अर्थ आखिर होता क्या है। प्रीवियस ईयर का मतलब वो होता है जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हो। तो वही सारे सवाल मैं आपको कराता हूँ, वही सारे सवाल आप जहाँ जिससे पढ़ते होंगे वो आपको करवाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिना मतलब का डाउट यहाँ पे क्रिएट मत करिए, ठीक है। किसी प्रकार का स्टूडेंट लोग को अफवाह मत फैलाइए, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है, ठीक है। थंबनेल अगर जो आप देखते होंगे मेरा, तो थंबनेल में ही आपको पता चल जाता होगा कि आप टॉप 50 MCQ प्रीवियस ईयर या फिर एक्सपेक्टेड MCQ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही देखने की चांसेस हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का अफवाह आप ना फैलाएं, ठीक है, क्योंकि आपकी सोच यहाँ पे पता चल जाती है कि कितना है प्रीवियस ईयर का मतलब, आप कितना समझते हैं, ठीक है। बस आप यहाँ पे ये इसका कॉपी, ये उसका कॉपी, बस यही करते रह जाओगे, जिंदगी भर आपके लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सोचिए समझिए, जहाँ से आपको एजुकेशन मिल पाता है आप आराम से लीजिए। यहाँ पे आपको किसी तरह के पैसे नहीं लग रहे हैं, आप फ्री में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फ्री में पढ़ रहे हो तो फ्री की एजुकेशन जो होती है उसको कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाए। जो टीचर आपको जिस तरह से पढ़ाता है, आपको जिस तरह से समझ में आए, जिससे समझ में आए आप उससे पढ़िए। किसी तरह की यहाँ पर आपको जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो ये बातें थी दोस्तों जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। तो कुछ सारे स्टूडेंट इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता था कि ये डाउट क्लियर करा दूँ, ठीक है। तो चलिए अब वापस से हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, एन एडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज, एडल्ट ह्यूमन जो होती है उसमें नॉर्मली कौन कितनी टीथ होती है, ये आपको पूछा गया है। 12 molar teeth है, 10 molar teeth, 8 molar teeth, 6 molar teeth। तो एक एडल्ट में आपको टोटल 12 molar teeth देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स इज, यानी कि कान में जो आपकी बोन्स पाए जाते हैं टोटल नंबर कितने हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों इंसियस, मेलस एंड स्टेप्स, ये तीन तरह के बोन्स होते हैं जो आपके कान में पाए जाते हैं। अब देखिए एक कान में तीन पाए जाते हैं, तो दोस्तों दो कान में कितने पाए जाएंगे, 6 पाए जाएंगे। यानी कि मेलियस, इंसेस और स्टेप हो गए, इसको आप दो से, दो कान हैं आपके पास तो दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 बोन्स आपके ईयर बोन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन जो हो जाएंगे दोस्तों वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्लियर है। अगला सवाल है, द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट ए मसल्स टू ए बोन इज कॉल्ड। अब देखिए मसल से बोन की जो अटैचमेंट होती है उस तरह की अटैचमेंट को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, इंसर्सियल्स, फ्लूड दिए गए हैं। तो दोस्तों जो मसल से बोन की अटैचमेंट होती है ये दोस्तों होती है आपकी टेंडन के कारण हो जाती है, ठीक है। और बोन से बोन जो अटैचमेंट होगी वो दोस्तों किसके कारण होगी, लिगामेंट के कारण होगी। तो इसको आप लिख लीजिए, तो मसल टू बोन जो अटैचमेंट होती है ये आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, टेंडन हो जाएगी, ठीक है। टेंडन आप बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको, ये जैसे भी आपको याद रखनी है, ठीक है, कि मसल से बोन की जो अटैचमेंट होगी इसको क्या कहेंगे, उसको टेंडन कहेंगे। और जो लिगामेंट जो होती है ना दोस्तों, ये लिगामेंट क्या होती है, बोन से बोन की जो अटैचमेंट होती है उसको लिगामेंट कहते हैं। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपकी यहाँ पे बोन टू बोन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर जो होगी ये आपकी ऑप्शन बी होगी, यानी कि टेंडन जो कि मसल से बोन की अटैचमेंट करवाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज। अब देखिए ये सवाल हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसके आंसर आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि इसकी आंसर क्या है, ठीक है।
अब देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमन। अब ह्यूमन बींग में कितने प्रकार के टीथ देखने को मिलते हैं, ये अभी अभी हमने बात कर रखा है। तो इसकी भी आंसर जो है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो दो सवाल आपकी यहाँ पे होमवर्क मिल चुकी है, इसकी आंसर आप कमेंट करिए, ठीक है। तो जो कमेंट करेंगे स्टूडेंट, उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूँगा, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ठीक है, उसमें से जो टॉप 5 कमेंट जो रहेगी, वो टॉप 5 कमेंट वाले स्टूडेंट की मैं नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसकी ये आपकी होमवर्क हो गई कि कितने सारे टाइप ऑफ टीथ होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और इससे पहले वाला भी सवाल, उस वो भी होमवर्क है आपकी। अब देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जैसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और उसको उसमें आप सर्च करिए जॉबगार स्टडी, आपको हमारे चैनल की पेज मिल जाएगी, तो उसे आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है दोस्तों, अगर जो आपको फॉलो करने में दिक्कत हो रही है। वैसे तो आप जॉब का स्टडी सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम ऐप में तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जैसे कि ये हो गई, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी उस पीडीएफ में ही, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी और कहीं मिलने की साधन नहीं है, ठीक है, अभी, क्योंकि अभी किसी तरह की वेबसाइट हमने इस्टेब्लिश नहीं की है, क्लियर आप सभी को। तो दोस्तों, इसे आप जैसे भी करिएगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, वो सारे की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ। हमारे जो बोन्स होते हैं और जो दांत होते हैं, ये किस चीज़ के बने हुए रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो जो करेक्ट आंसर होगी दोस्तों, वो आपकी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होगी, ठीक है। यानी कि इसमें तीन कैल्शियम होते हैं और फॉस्फेट आयन होते हैं, यानी कि P4, ठीक है, PO4। तो ये सारी चीज़ को मिला करके आपकी टीथ, ठीक है, यानी कि हमने बात की ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट आयन आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसकी केमिकल फार्मूला हो जाएगी दोस्तों Ca3PO4O2, ठीक है। यानी कि हमने ट्राई कैल्शियम की बात की है और फॉस्फेट यानी कि PO4, ठीक है। तो यहाँ पे दो फॉस्फेट आयन भी आपको देखने को मिल जाएगी, कैल्शियम 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट आयन, ये इसकी इसकी केमिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल है, स्वेट ग्लैंड इन मैमल आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ। अब देखिए, स्वेट ग्लैंड जो होती है आपकी मैमल्स में, जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, ये बेसिकली किस चीज़ का काम होता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट के काम आता है, एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के काम आता है, थर्मोरेगुलेशन या सेक्स अट्रैक्शन के। अब देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों थर्मोरेगुलेशन, तो हम थर्मोरेगुलेशन को ही यहाँ पे लेकर के चलेंगे, क्योंकि थर्मोरेगुलेशन मतलब क्या होता है, हीट की रेगुलेशन, ठीक है। यानी कि इसी के अंदर आपकी साल्ट की जो कंसेंट्रेशन है उसकी मेंटेनेंस में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की मेंटेनेंस, ये भी थर्मोरेगुलेशन के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पे जो हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे। तो थर्मोरेगुलेशन आप लेके चलेगा NaCl के लिए, ठीक है, क्लियर है आप सभी को। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हो जाता है, हीट की रेगुलेशन, क्लियर है। तो दोस्तों, ये आपकी 25 MCQ आपने आज देख लिया, टोटल हमारे पास 25 प्लस 25, यानी कि टोटल 50 MCQ हमने स्केलेटल सिस्टम के ऊपर कर लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, इससे हमें क्या होती है, इससे हमें उत्साह होती है दोस्तों, और हम आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियो लाने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपसे सवाल पूछे उसकी कमेंट करिएगा, आपकी मैं नाम बताऊँगा। और देखिए, जो स्टूडेंट ने हमारे प्रीवियस वीडियो पे जो कमेंट किया है, उस तरह की अगर जो आप देखते हैं स्टूडेंट को इस तरह का फैलाते हुए, तो कृपया करके आप भी उस पर एक्शन ले सकते हैं, आपके फ्री है, ठीक है। तो उसे बताइए कि प्रीवियस ईयर का मतलब आखिर होता क्या है, क्योंकि मैं सारे कमेंट अभी भले ही पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा कमेंट आ जाएगी तो उतना नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करना, आपको एजुकेशन प्रोवाइड बस करना चाहता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर सारे की कमेंट की जवाबी देने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।